हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके गुरु चैनल। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि अब हम आज अपने खसी को क्या खिला रहे हैं। जो बकरा मेरे पास बकरी है उसको आज हम क्या खिला रहे हैं आप देख सकते हैं क्या है। आप गैस कीजिए क्या है। ये बीकाजी कंपनी का जो भुजिया होता है या मूंग दाल होता है वो है। अब देख लीजिए, अब गिरा भी हुआ है और ये अलग अलग कंपनी का है। ये मोदी कंपनी का एक आता है लीज, वो है चिप। और ये देख रहे थे अपने बच्चा, जो खसी का बच्चा ये है, बकरी का बच्चा जो खसी होता है, ये सब खा रही थी नीचे पक्का पे और गिराया हुआ है। और ये भी आप देख रहे हैं लगभग ये आधा केजी तक है। और ये आप देख रहे हैं और भी प्लास्टिक था, 20 से 25 पीस। तो आप सोच रहे हो कि हम अपने खसी या बकरी को क्यों खिला रहे हैं ये बीकाजी का भुजिया। ये तो आदमी खाता है और खसी बकरी को हम क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि महंगा पड़ते जो पुड़िया है 5 रुपया का पड़ता है। ये बीकाजी कंपनी का भुजिया हो गया या मूंग दाल हो गया, या वो भी आप देख रहे हैं वो भी आपको 5 रुपये का पड़ता है। बात दरअसल ये है कि ये जो खसी है या बकरी को इसलिए हम खिला रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास ये होलसेल का दुकान है, तो हुआ ये था कि जो चूहा जो होता है, चूहा कम से कम 50 से 60 पॉकेट को काट दिया था। और उससे हमारे घर पर भी जो चूहा अगर काट देता है उस चीज़ को लोग नहीं खाते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास खसी बकरी का ऑलरेडी फार्म है, तो हम सोचे कि हम अपने क्यों ना अपने खसी बकरी को ये हम खिला दें। या मुर्गी हमारे पास भी है, मुर्गी को हम दिए हुए हैं, वो भी आपको हम वीडियो में दिखा दे रहे हैं कि। और ये आप देख रहे हैं अंडा देने वाली मुर्गी है। ये हमारे पास अभी कम से कम 25 मुर्गी अंडा देने वाली थी। ये भी बीकाजी भुजिया है और यह मूँग दाल उसको हम दिए हुए हैं, क्योंकि जो चूहा वाला माल होता है हमारे घर पर नहीं खाता है लोग, तो बांटने से अच्छा है कौन लेगा या नहीं लेगा, उससे बेहतर है कि हम अपने मुर्गी को या बकरी या बकरा को खिलाकर खिला दें। उसका भी पेट भर जाएगा और हमारा चीज़ सज जाएगा। हाँ, मान रहे हैं कि हमको इसमें लॉस होता है, मगर चलिए बिजनेस है तो चूहा काटेगा ही, लॉस होगा ही, मगर वही चीज़ जो वो भी थोड़ा सा खा लेगा तो मान लीजिए इसका भी पेट भर जाएगा और इसमें जो हमारे खिलाने का खर्च है उसमें कुछ फ़ायदा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो हम बनाए हैं बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बना है, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा। अगर आपके पास है या होलसेल है या दुकान है कुछ भी है तो चूहा काट लिया अगर खाते हो तब खा जाइए, आपके फैमिली में कोई खाता हो उसको खिला दीजिएगा, और नहीं तो आप पड़ोसी में किसी को बांट सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।